आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अंडर 600 रुपीस में एक खूबसूरत लेबोरेटरी पावर बैंक। ये पावर सप्लाई मैक्सिमम 15 वोल्ट तक दे सकते हैं, और अगर एम्प की बात करें तो 100 मिलीएम्प से 6.7 एम्प तक करंट आपको मिल जाएगा। ये दिखने में तो ऑफिशियल पावर बैंक की तरह है नहीं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये ऑफिशियल पावर बैंक की तरह ही काम करेगा, जिसमें आपको चॉइस के विचार से आप वोल्ट को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हो, और एम को भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इवन आपके लोड के ऊपर डिपेंड करके कूलिंग फैन भी एक्टिव होगा। अगर आपको ये पावर बैंक चाहिए तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मैंने ये पावर सप्लाई डेल के एक पुराना पीसी से लिया है। ध्यान से देखिए, इसमें 19 वोल्ट के साथ साथ 6.67 एम्पीयर देने की क्षमता है। मैं इस पर जो स्क्रू लगा है वो सब खोल देता हूँ और टॉप कवर हटा देंगे, कूलिंग फैन की जैक को भी निकाल लेंगे, नट खोल के कूलिंग फैन भी निकाल लेंगे। देखिए जरा, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट है। ये बहुत ही पावरफुल स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है। ओके, अब मैं पीसीबी का स्क्रू खोल के बोर्ड को बाहर निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन है, ये मैं किसके अंदर फिट करूंगा। मैंने चॉइस किया एक इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्स। ये बहुत ही गुड फाइबर प्लास्टिक से बने हुए है। ये बॉक्स के अंदर इस पावर सप्लाई को फिट करना होगा, मगर ये फिट नहीं हो रहा। इसका वजह है ये स्क्रू होल्डर। इस स्क्रू होल्डर को मैं काट के हटा देंगे। आप देखिए, ये आसानी से फिट हो गया, और मैंने मार्क किया कहाँ किस चीज को बिछाना है, और कूलिंग फैन को अटैच करने के लिए ड्रिल से होल किया। ओके, अब मैं इस फैन को नट से अटैच कर देंगे, और एसएमपीएस को नट और बोल्ट से टाइट कर देंगे। एसी पावर सॉकेट भी जंक्शन बॉक्स के साथ फिट कर देंगे। पावर सप्लाई आउटपुट में जो एग्जिस वायर है उसको हटा देंगे, ठीक है ऐसे, और फैन का प्लग एसएमपीएस के साथ जोड़ देंगे। एसी का ग्राउंड बॉडी के साथ अटैच करना होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट यह इस बॉडी तो प्लास्टिक के है, फिर भी मैं जोड़ देता हूँ। अब मैं इसमें एक 100 के वेरिएबल रेजिस्टर लगा देंगे जो एम को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। अब इसको बोल्ट से टाइट कर देंगे, और दूसरा जंक्शन बॉक्स जो ऊपरी हिस्से में है उस पर भी एक 100 के वेरिएबल रेजिस्टर है जो वोल्ट घटाएंगे और बढ़ाएंगे, उसको भी लगा के टाइट कर देंगे। और वो जो बनाना क्लिप का सॉकेट है उसको भी मुझे फ्रंट में लगाना है। दोनों जंक्शन बॉक्स को जोड़ने के बाद दिखने में कुछ ऐसा होगा। ओके, मैं अब एक ग्रीन एलईडी लगाऊंगा जो पावर इंडिकेटर को इंडिकेट करेंगे, और दूसरे बॉक्स पर एक रेड एलईडी लगाया जो वोल्ट के हिसाब से ग्लो होगा, और दोनों एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल में 4.7 के रेजिस्टर लगाया जो वोल्ट को लिमिट करेंगे, और वायर लगा के इंसुलेशन प्लास्टिक से सेफ कर देंगे। पावर सप्लाई की पॉजिटिव आउटपुट वायर स्विच के साथ अटैच कर देंगे। ओके गाइस, ये है वोल्ट और एम्पेयर रीडिंग मीटर। ये मैक्सिमम 99 वोल्ट से 10 एम्पेयर तक काउंट कर सकते हैं। अब देखेंगे कैसे इसको कनेक्शन करना है। रेड और ब्लैक वाला वायर इसको पावर सोर्स है जिससे ये रन होता है, और ये जो येलो वाला वायर है वो कितना वोल्ट पॉजिटिव में है वो डिस्प्ले में इंडिकेट करता है, और ये जो मोटे मोटे ब्लैक और रेड वायर है वो एम्प को इंडिकेट करने के लिए है। ये ग्राउंड में सीरीज में कनेक्शन होगा। दिस वीडियोस ऑसम पार्ट है ये रेगुलेटर। इस रेगुलेटर से आप एम्प और वोल्ट भी कंट्रोल कर सकते हो। इस बोर्ड कैसे बनाना है, ये कैसे काम करता है, इसका डायग्राम क्या है, सारी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस बोर्ड के साथ मैं पॉजिटिव आउटपुट और पॉजिटिव इनपुट कनेक्ट कर देंगे, और एसएमपीएस का ग्राउंड कनेक्शन इसके साथ जोड़ देंगे। वोल्ट मीटर के एम्पेयर के वायर ग्राउंड के साथ आपको कनेक्ट करना होगा। वोल्ट रेगुलेटर की आउटपुट पॉजिटिव वायर भी मैंने बनाना क्लिप के साथ सोल्डर कर देंगे, और जिप टाई के मदद से रेगुलेटर बोर्ड को लॉक कर देंगे। एम्पेयर कंट्रोल वेरिएबल रजिस्टर के प्लग रेगुलेटर बोर्ड में पिन करना होगा। वोल्ट मीटर के पॉजिटिव नेगेटिव वायर आपको एसएमपीएस के आउटपुट में सोल्डर करना होगा। वोल्ट मीटर के वोल्ट सेंस वायर को भी रेगुलेटर आउटपुट में पिन कर दीजिए, और रेगुलेटर के पॉजिटिव इनपुट वायर स्विच के साथ जोड़ देना है जो पावर स्विच होगा। लास्ट में पावर एलईडी भी जोड़ दीजिए।
कनेक्शन खत्म होने के बाद मैं वोल्ट मीटर को जंक्शन बॉक्स में फिट कर दिया, पावर स्विच को भी उसके पोजीशन में लगा दिया और टॉप जंक्शन कवर भी सेट करना होगा। इसको नट से अटैच करने के लिए एक बोल्ट को इस होल के अंदर डालना होगा और स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करना होगा जिससे बोल्ट नहीं निकल पाएगा, और दूसरे साइड से नट से टाइट कर देना है। मैंने 0.75 वायर लिया जो बनाना क्लिप के साथ अटैच करना है। वायर को मैं वायर कटर से छील लिया, बनाना क्लिप में बोल्ट से लगा दिया, ऐसा और एक बनाया और वायर के अदर साइड में क्रोडाइल क्लिप के साथ शोल्डर कर देंगे और प्लस से इसको बैंड कर देंगे। सब काम खत्म होने के बाद ये देखने में कुछ ऐसा होगा। आप चाहे तो इसको अपने विश के हिसाब से वोल्ट को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। मैं दोनों बनाना क्लिप को पावर सप्लाई में जोड़ दिया। मैं इस 12 वोल्ट बल्ब को ग्लो करने वाला हूँ। मैं अपने पावर सप्लाई को 12 वोल्ट में सेट करेंगे। ध्यान से देखिए, मैं जैसे ही बल्ब के साथ टर्मिनल जोड़ दिया, वोल्ट ड्रॉप होकर 0.0 वोल्ट हो गए। इसका मतलब इसमें एम्पेयर बहुत कम है। ओके, मैं एम्प को फुल कर देता हूँ और फिर से बल्ब के साथ जोड़ दिया। देखिए, बल्ब ये ग्लो हो गया और वोल्ट ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ और एम्प लगभग 4.38 के आसपास लोड ले रहा है। और इस पावर सप्लाई में और एक फीचर्स है जो लोड के हिसाब से कूलिंग फैन भी चालू हो जाएगा। मुझे पता नहीं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए।